नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल डॉट प्रतिस्पर्धा में। आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं कि अगर आपके पास बहुत सारा PDF है, मतलब अलग अलग PDF आपके पास अवेलेबल है और आप सारे अलग अलग PDF को एक साथ जोड़कर एक PDF बनाना चाहते हैं तो कैसे बना सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं वही बताने वाला हूं कि आप बहुत सारे PDF को एक साथ मर्ज करके एक PDF कैसे बनाएंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और इस तरह के बहुत सारे वीडियोस हमारे चैनल पर अवेलेबल है तो एक बार विजिट करके जरूर देखिएगा। हो सकता है कोई आपका काम का वीडियो आपको मिल जाए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। चलिए दोस्तों, अब मैं आ चुका हूँ अपने लैपटॉप में और अभी मैं आप लोगों को बताऊंगा कि अगर आपके पास बहुत सारा PDF है या दो PDF है और दो PDF को आप एक साथ जोड़ना चाहते हैं। जैसे आप मेरा डेस्कटॉप में यहाँ पर देखिए, PDF यहाँ पर बहुत सारा आपको दिख रहा होगा और ये सारा अलग अलग PDF है। अगर आप चाहें तो इन सारे PDF को जोड़कर एक नया PDF बना सकते हैं और जितना कुछ भी इन सारे PDF में है वो सारा कुछ आपका एक PDF में जुड़ जाएगा। तो कैसे करते हैं, चलिए वही मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अपने मोबाइल फ़ोन पे या अगर आपके पास लैपटॉप या डेस्कटॉप है तो डेस्कटॉप पे आपको गूगल क्रोम खोल लेना होगा और ऊपर यहाँ पर आपको सर्च करना होगा आई लव PDF। ठीक है, आई लव PDF आपको सर्च करना है। जैसे ही आप आई लव PDF सर्च करेंगे तो सबसे ऊपर में ही आपको www.ilovepdf.com खुल जाएगा। आपको इसमें क्या करना है, क्लिक कर देना है आई लव PDF ऑनलाइन PDF में क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो सबसे पहले ही इसका जो है यहाँ पर देखिए आपको ऑप्शन मिल जाएगा मर्ज PDF का। मर्ज PDF यहाँ पर आप अगर पढ़ेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है कंबाइन PDFs इन द ऑर्डर यू वांट विद द असिस्ट PDF मर्ज अवेलेबल। तो यहाँ से आप जो है PDF को मर्ज कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं, ढेर सारे PDF को जोड़कर एक नया PDF बना सकते हैं। कैसे करते हैं, तो चलिए इसमें आपको जो है मर्ज PDF में क्लिक करना होगा। जैसे ही आप मर्ज PDF में क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा रेड कलर का, यहाँ पर देखिए हाईलाइट हो जाएगा सेलेक्ट PDF फाइल। इसमें आप सेलेक्ट करके अपने मोबाइल फोन से या फिर अगर आप लैपटॉप में अगर कोई ड्राइव में रखे हैं तो वहाँ से आप इसे सेलेक्ट कर सकते हैं या फिर डायरेक्ट आप ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हैं। यहाँ पर नीचे देखिए लिखा हुआ है ड्रॉप PDF हियर, मतलब ड्रॉप PDF मतलब क्या, यहाँ से आप PDF सबको इस तरह करके सेलेक्ट कीजिए, जितना PDF को आपको मर्ज करना है इसको पकड़िए और गूगल में आ जाइए और लाकर यहाँ पर जो है छोड़ दीजिए। तो ये देखिए यहाँ पे ऑटोमेटिक आ गया है, सारा PDF ऑटोमेटिक आ गया। तो ये हो गया ड्रैग एंड ड्रॉप। तो चलिए हम इसको बैक करते हैं। तो आप ड्रैग एंड ड्रॉप करके भी PDF को यहाँ पर ला सकते हैं। उसके बाद अगर आपके पास गूगल ड्राइव में अगर आप कोई डॉक्यूमेंट्स रख रहे हैं उसको जोड़ना चाहते हैं तो डायरेक्ट यहाँ से आप जो है अपना गूगल ड्राइव खोल सकते हैं, लेकिन आपको यहाँ पर जो है जिस गूगल ड्राइव में जिस ईमेल आईडी में आपका PDF है वो यहाँ पर साइन इन होना चाहिए। उसके बाद उसी तरह आप यहाँ पर जो है ड्रॉप बॉक्स में अगर आप साइन इन करके यहाँ पर रखेंगे तो आप ड्रॉप बॉक्स से भी यहाँ पर PDF अपना जो है डायरेक्ट ला सकते हैं। ठीक है, तो फिलहाल मैं अभी जो है सेलेक्ट PDF फाइल पर क्लिक करते हैं और आप अपने डेस्कटॉप में जो PDF फाइल सब रखा हुआ है उसको हम जोड़कर अभी आपको दिखाएंगे। तो देखिए यहाँ पर जो है आपको जो है बहुत सारा PDF जो डेस्कटॉप पर मेरा रखा हुआ है सारा आपको यहाँ पर दिख रहा है। आपका जिस भी फाइल में होगा अपने लैपटॉप में या फिर कंप्यूटर में वो फाइल में जहाँ कहीं भी आपका PDF होगा, जिस भी PDF आपको जोड़ना होगा उस PDF को आप सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे यहाँ पर हम तीन PDF को आपको जोड़कर अभी दिखाएंगे क्योंकि बहुत सारा मेरा काम का है, जो काम का नहीं है उसी को हम जोड़कर आपको दिखाएंगे। जैसे यहाँ पर एक है, एक मैंने सेलेक्ट कर लिया। जैसे ही सेलेक्ट करते हैं डायरेक्ट यहाँ पर आ जाता है। ठीक है, फिर यहाँ पर प्लस के आइकन पर आप क्लिक करेंगे, फिर इस पर क्लिक करेंगे तो ये वाला भी जो है आपका डायरेक्ट यहाँ पर ओपन करेंगे तो वो भी यहाँ पर आ जाएगा। फिर प्लस के आइकन पर क्लिक करेंगे और भी PDF अगर आपको जोड़ना होगा तो वो भी आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे, ओपन करेंगे तो वो भी PDF यहाँ पर आ जाएगा। तो मैंने यहाँ पर देखिए तीन PDF यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया। आपको जितना मर्जी उतना PDF आप यहाँ पर एक साथ ला सकते हैं। और भी क्या, अगर आपको इस PDF को दूसरे बीच में रखना है तो पकड़ कर बीच में कर देंगे तो ये बीच में आ जाएगा। आगे पीछे करना है किसी भी PDF को, जिसको भी आपको आगे पीछे करना है उससे आप जो है इस तरह से आगे पीछे करके अरेंज कर सकते हैं। आप जिसको भी आपको आगे रखना है, आप कोशिश करें कि जिस भी PDF को आपको ऊपर रखना है उस PDF को रीनेम करके उसको एक नंबर कर दें, फिर दो नंबर, इस तरह से क्या होगा कि आपको यहाँ पर सीरियली दिख जाएगा कौन सा PDF मेरा एक नंबर में दो नंबर में, क्योंकि यहाँ पर साफ साफ आपको दिखता नहीं है PDF की क्या PDF के अंदर है। तो आप क्या कर सकते हैं, PDF को रीनेम कर सकते हैं। जैसे 1, 2 होता है ना, जैसे इसको आप 1 कर दीजिए, 2 कर दीजिए, 3 कर दीजिए रीनेम करके, और उसी तरह से आपको जो है यहाँ पर अरेंज करने में सुविधा होगा। जब सारा PDF आप यहाँ पर डाल लेंगे, जैसे मैंने तीन PDF को डाल लिया है, उसके बाद क्या करना है आपको,
यहाँ पर आपको मर्ज पीडीएफ में क्लिक कर देना है। जैसे हम मर्ज पीडीएफ में क्लिक करेंगे तो ये पीडीएफ जो है जुड़ जाएगा एक साथ, और आपको कुछ नहीं करना, ये ऑटोमेटिक डाउनलोड हो जाता है। यहाँ पर आपको डाउनलोड बटन पर क्लिक भी नहीं करना है, ये ऑटोमेटिक आपका जो है डाउनलोड हो जाएगा। देखिए नीचे यहाँ पर ये डाउनलोड हो गया, और ये पीडीएफ यहाँ पर देखिए, मैं इसे आपको खोल कर दिखा देता हूँ, ये डाउनलोड हो गया है। चलिए ये डाउनलोड हो गया, अब हम इसको खोल कर दिखाते हैं। तो जैसे हम इस पीडीएफ को खोलते हैं तो जिस भी पीडीएफ को हमने जोड़ा था, देखिए टोटल यहाँ पर 80 पेज का यहाँ पर आपको दिख रहा है, 1 से 80 पेज, तो बहुत सारा पीडीएफ जो है इसमें जुड़ गया है मेरा। ठीक है, ये देखिए जितना नीचे हम लेके जाएंगे उतना पेज जो है चला जाएगा। तो मैंने जो है, ये तो अलग अलग था इसमें जो है, मैंने जो है कुछ कुछ, जैसे यहाँ पर मैं दिखाता हूँ, इंडियन फ्रूट्स को मैंने जोड़ा है, फिर मैंने जो इंडियन एनिमल्स और इंडियन बर्ड्स, मैंने कुछ लिस्ट जो है डाउनलोड करके रखा था इंटरनेट से जानने के लिए, तो सारे को मैंने जो है जोड़ दिया है। तो इस तरह से जो है आप किसी भी पीडीएफ को एक साथ मर्ज करके जोड़ सकते हैं। तो आशा करते हैं ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए और हाँ, हमेशा मुस्कुराते रहिए। और आपके मन में अगर कोई सवाल है पीडीएफ से रिलेटेड तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं।